गुढ़ागोर्ची में हुकुमपुरा तन बामलास गांव के 42 वर्षीय शहीद शमशेर अली खान को शनिवार को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद शमशेर अली खान अरुणाचल प्रदेश के टेंगा में 24 ग्रेनेडियर यूनिट में नायब सूबेदार के पद पर सेवारत थे। शमशेर अली बुधवार को भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के पाइनीज चेक पोस्ट पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए थे। पार्थिव देह के साथ आए सेना के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में पार्थिव देह उनके घर ले जाई गई। गुढ़ागोर्जी कस्बे में पार्थिव देह पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं लोग तिरंगा हाथों में लेकर के शहीद के घर तक आए। पार्थिव देह जैसे ही शहीद के घर पहुंची तो घर में कोहरा मच गया। हर कोई उनके परिवार को संभालने में लगा हुआ था। इस दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें यह दृश्य देखकर के नम हो गई, जिसके बाद हुकुमपुरा गांव के जोहड़ में बने कब्रिस्तान में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अपने पति के पार्थिव देह को तिरंगे में लिपटे देखकर पत्नी सलमा बानो बेसुध हो गई। शहीद की मां नत्थी बानो का भी रो रो कर के बुरा हाल था। वहीं शहीद के बच्चे भी ऐसा माहौल देख कर के बिलख पड़े। पार्थिव देह के साथ आए सेना के अधिकारियों ने सेना की ओर से दिया जाने वाला तिरंगा शहीद के पिता सलीम अली को सौंपा। इस दौरान पिता सलीम अली की आंखें भी भर आई और तिरंगा ग्रहण करके उन्होंने सेना को सलाम किया। इस दौरान सेना की टुकड़ी ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद सेना के अधिकारियों, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सहित अनेक लोगों ने उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर उमरदीन खान, झुंझुनू एसपी जगदीश चंद्र शर्मा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सांसद नरेंद्र खीचड़, उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, सीकर नगर परिषद के सभापति जीवन खां, मुकुंदगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सुंडा, मीन सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुरेश मीणा, पूर्व पीसीसी महासचिव विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्र के युवाओं द्वारा शहीद शमशेर अली को तिरंगा रैली निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। गुढ़ागोर्जी से करीब 4 किलोमीटर दूर शहीद के घर तक लोगों ने डीजे पर देशभक्ति तरानों के साथ तिरंगा रैली निकाली। जिस महिला ने अपने सुहाग को खोया है, जिन बच्चों ने अपने माता अपने पिता को खोया है, भाइयों को खोया, उस पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में वो अपने इसको बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाला उनको शक्ति दे। और इस परिवार के लिए सेना तो कोई नई बात नहीं है। शहीद जो है, इनके पिता भी का आर्मी से संबंध रहा है, इनके दादा का, इनके परदादा का, इनके सात पुश्तों का संबंध सेना से रहा है, देश की हिफाजत से रहा है। और मेरी जानकारी के जहाँ तक हमने मुझे पता है, ये क्याम खानी समाज सदियों से इस समाज का इस देश के हिफाजत के अंदर एक अलग स्थान है। हमारी कुर्बानियों के अंदर इनका बहुत बड़ा स्थान है और ये क्याम खानी समाज किसी भी कुर्बानी में अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। और ये इस गौरव को इस पीढ़ी ने बनाए रखा, आगे भी बना रहेगा। ये हमारी मिट्टी के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, उदयपुर वाटी के लिए, सेखा वाटी के लिए हमारे लिए गौरव की बात है। इस दुख की घड़ी के अंदर परम पिता परमेश्वर इंशाल्लाह उस परिवार को शक्ति दे के उस दुख को बर्दाश्त कर पाए। परवेज अहमद हुसैन आज हकीमपुरा उदयपुर वाटी तहसील में हम लोग पूरे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 3 तारीख को हमारे जवान जो अरुणाचल प्रदेश में चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ड्यूटी पे नियुक्त थे, 3 तारीख को 3 बजे रात में उनकी शहादत हो गई। बहुत कोशिश किया गया, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, आर्मी हॉस्पिटल, मगर उन्हें 5 बजे शहीद घोषित कर दिया गया। ये चीन और हिंदुस्तान की बॉर्डर बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ का मौसम हमेशा ख़राब रहता है और यहाँ ड्यूटी करना बहुत सख्त होती है। इसी दौरान उनकी वहाँ शहादत हो गई और आज हम हुकुमपुरा में यहाँ पर पूरे जिला प्रशासन के लोगों और जितने गांव के आस पड़ोस के गांव हैं और यहाँ के तहसील के लोग हैं, सभी लोग बहुत ही तादाद में इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इधर उपस्थित हुए हैं। मैं जिला सैनिक की तरफ से और प्रशासन की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ हमारे अमर जवान
शमशेर अली साहब को। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि झुंझुनू ज़िला सैनिकों का ज़िला है और सबसे ज़्यादा शहादत भी इसी ज़िले ने दी है। हमें दुख तो बहुत है मगर हमें गर्व भी है कि हमारे यहाँ के नौजवान हमेशा सेना के प्रति और सेना में भर्ती होना और अपने देश के लिए जान देने के लिए हमेशा कभी पीछे नहीं हटे। जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेना के लोग हैं जो वो झुंझुनू ज़िला से ही हैं। तो मैं सबकी तरफ से शमशेर अली साहब को शहादत देता हूँ और वो हमारे बीच हमेशा अमर रहेंगे। जय हिंद। पार्थिव देह हमारे यहाँ पहुँची है, परिवार पर तो बड़ा पहाड़ टूटा है, बड़ी विडम्बना है। पर ये भी सच है कि राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जांबाज लोग जो अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं, देश जब तक सलामत है तब तक हमेशा उनको याद रखा जाएगा। इस परिवार की गाथा तो मैं आपसे क्या बताऊँ कि वो स्वयं, उनके पिता, उनके दादा, सारी पीढ़ियाँ राष्ट्र को समर्पित सेवाएं, अपनी सेवाएं समर्पित करती आई हैं। ये पूरा परिवार हमेशा ही राष्ट्र की सेवा में, सेना सीमाओं में, देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगा रहा है। और आज बहुत ही परिवार पर पहाड़ सा टूटा है। हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से, मैं भी बहुत व्यथित हूँ कि एक माँ ने अपना बेटा खोया, पर माँ भारती ने जो सम्मान उनकी वजह से पाया, अपनी दूसरी माँ की रक्षा करते हुए जो प्राणों की आहुतियाँ उन्होंने दी, वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत गर्व की बात है कि नायब सूबेदार शमशेर अली अपने प्राणों की आहुति देकर देश का नाम रोशन करके गए हैं। हम लोग इसलिए भी खुश हैं कि हमारी क्षेत्र उदयपुरवाटी हुकमपुरा का नाम रोशन हुआ है, हमारी एक पहचान बनी है। आज हजारों हजारों लोग उस शहादत को सलाम करने आए हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनकी शहादत को सलाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और नौजवानों से इस बात का आह्वान करता हूँ कि माँ भारती की अस्मिता को बनाए रखने के लिए भले ही प्राण भी देने पड़े, राष्ट्र के मान और सम्मान के लिए हमेशा हम लोगों को ऐसे शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अंत में मैं भाई शमशेर अली को की शहादत को सलाम करता हुआ इस बात के लिए, परिवार को के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति भगवान दे कि इस जो पहाड़ उन पर टूटा है, जो घटनाएं हुई है, इसमें इसको सहन करने की शक्ति उनको मिले। और इसी प्रकार ये लोगों का हुजूम उमड़ा है, सबका सहयोग इस परिवार के साथ बना रहे, इन्हीं बातों के साथ उन्हें एक बार भाई शमशेर अली की शहादत को सलाम। शहीद हुआ है, उन्होंने देश भक्ति का जो प्रतीक दिया है वो उनके माता पिता जिन्होंने यहाँ और उसकी यहाँ की धरती जो है उसको भी मैं सलाम करता हूँ। ये धरती एक तरह से होनहार यहाँ जो जन्म देती है, ये उनको पवित्र धरती है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ यहाँ के निवासियों को, यहाँ के माता पिताओं को धन्यवाद के पात्र हैं। यही हमारे जो शहीद है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो अमर हो जाता है, वो सबका होता है। देश के लिए जो इन्होंने अपना पार्थिव पूरा शरीर दिया है, इसके लिए उनके माता पिता ज़रूर महसूस करते होंगे कि मेरा सपूत गया, लेकिन अभी उनके पिताजी से मेरी बात हुई, उनके दादाजी से लेकर के अपने स्वयं तक देश के लिए इन्होंने पूरी खुद ने शहादत दी है और देश सेवा की है। यही एक देश सेवा की भावना है, मनुष्य अपने लिए तो कुछ करता ही है लेकिन देश सेवा जो प्रेम भावना है, मैं इसके लिए श्रद्धा सुमन करने यहाँ पहुँची। मैं वादा करता हूँ कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो शहीद लोगों को जो पैकेट देती है वो तो देती है, उसके अलावा भी हम सब लोग जो यहाँ पधारे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ और हम एक साथ मिलकर के इन परिवार के साथ कंधा लगा करके खड़े रहेंगे। शमशेर अली के जो गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम समाज की तरफ से उनको महसूस नहीं होने देंगे, हम सब शमशेर अली बन करके इनके साथ रहेंगे। इनके 3 बच्चे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो पढ़ाई का निःशुल्क है वो तो है ही है, स्वयं भी मेरा इंडियन पब्लिक स्कूल झुंझुनू में चल रहा है, उसको भी बच्चों को पढ़ाने के लिए इनसे मैं निवेदन करूँगा, यदि पढ़ाएंगे तो हमारे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में शहीदों का अलग से आरक्षण है, उसमें उनमें भर्ती कराएंगे और मैं उनके साथ जुड़ करके रहेंगे। जिस प्रकार का ये सहयोग मांगेंगे हम इनके समाज के साथ रहेंगे। मैं उन्हें उनके माता पिता को सादर जन स्पर्श करता हूँ कि ऐसे ही सपूत ने यहाँ जन्म दिया और जिसको हमारे जीवन के लिए, हमारी रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।
सरहद की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के लिए कुर्बान हो गए। उनकी तीन पीढ़ियां देश की के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज इस जलसे के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा शेखावटी उमड़ आया है यहाँ पर, और हजारों की संख्या में लोग इनकी शहादत को नमन कर रहे हैं और जय हिंद गगनभेदी नारों के साथ में जय हिंद अमर शहीद शहीद शमशेर की जितनी इस देश के लिए जो शहादत दी है उसको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद जय भारत।